हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ़ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन मैं हूँ आप सबके टेरोका रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस और आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रडिक्शन होगी आज हम देखेंगे कि आप जिन पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो इंसान आपके दिल में है वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं करंट इंटेंशंस क्या हैं क्या उन्हें आपसे दूर रहकर उन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं सब कुछ डिटेल में जानेंगे सो so, एक टैमलेस रीडिंग है जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए है आप सब इसे देख सकते हो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए अनर्जाइज शेमस्टों क्रिस्टल्स रेमडीज़ या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट्स के लिए आप मुझे किमन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आई पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा सो so, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को फिर से क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है ये प्रडिक्शन है आप सभी के लिए है चाहे आप अपने लव लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो आप सब इसे देख सकते हो और आप सभी रिलीजन के सभी कल्चर सभी एज के लोग सभी जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हो ओके सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और एग्जिस्टिंग थॉट्स आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए ओके okay. सो so, अब आपको क्या करना है इस फ्लेम पे फोकस करना है और इस फ्लेम पे फोकस करते हुए आपको उस इंसान का नाम तीन बार लेना है ओके okay? मैं आपको टाइम दे रही हूँ आप उस इंसान का नाम तीन बार लीजिए इस फ्लेम पे फोकस करते हुए सो आई होप कि आपने अब तक नाम ले लिया होगा सो so चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ओके okay, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ उतना ज़्यादा अब नहीं रहना चाहते हो जितना पहले रहना चाहते थे उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपका ध्यान भटक रहा है या फिर आप सच में चाहते हो कि कोई नया इंसान या कोई नया प्यार करने वाला आपको मिले जिनसे आपके डिज़ायर्स इच्छाएं पूरी हो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपको अब तक बहुत ही कम प्यार बहुत ही कम केयर एंड बहुत ही कम इज़्ज़त दी है जिसकी वजह से आज उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है एंड कहीं ना कहीं दिख भी है कि शायद अब आप धीरे धीरे उनसे दूर जा रहे हो ठीक है तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट में है क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको सफिशियंट इमोशन से वो आपको अबंडेंट कर नहीं पाए और इसी के चलते शायद अब आपको लगता है कि आप इनके साथ कैजुअल रहो या नॉन सीरियस रहो या फिर फ्यूचर प्लानिंग्स ना करो और कोई अच्छा मिले तो उनके साथ आगे बढ़ जाओ ठीक है ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत दिख रही है सो so, आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं क्योंकि उनके दिमाग में ना ये बात घर कर ली है कहीं ना कहीं कि आप किसी नए इंसान का इंतज़ार कर रहे हो और जब आपको वो सच्चा प्यार या न्यू इंसान मिल जाएगा तब आप इन्हें इजीली छोड़ दोगे इनसे मूव ऑन कर जाओगे और यही थॉट इनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खाई जा रही है यही थॉट इनको बहुत अंदर ही अंदर परेशान कर रही है बट इन्हें पता है कि ये इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं ये तो समय ही बताएगा कि आप उनके पास रहोगे आप उनसे लॉयल रहोगे या फिर आपको कोई अच्छा मिल जाएगा तो आप उन्हें छोड़ दोगे ठीक है तो बहुत बेबस फील कर रहे हैं हेल्पलेस फील कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या ऐसा करें ठीक है और उनको लग रहा है कि आपसे इस बारे में बात करना भी सही नहीं होगा जब तक उन्हें कोई सच में प्रूफ ना दिखे या सच में गारंटीड ना लगे तब तक आपको इन सारी चीज़ों में बताना या आपको ब्लेम करना या कंप्लेन करना आपसे गलत होगा ठीक है सो तो आपके पर्सन के माइंड सेट में ये है कि करंट अगर मैं इस रिश्ते को अच्छा बना सकता हूँ या बना सकती हूँ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं इस रिश्ते को बहुत प्यार से निभाऊँगा या निभाऊँगी बट आई नो कि मेरा प्यार मेरा केयर सफ़िशेंट नहीं है इस इंसान के लिए इस इंसान को यानि कि आपको मैंने दुख दिया है और अब अगर आप इन्हें छोड़ना भी चाहोगे तो उन्हें वो चीज़ माननी ही पड़ेगी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं दे पा रहे हैं आपको प्यार तो डेफिनेटली आपका हक तो बनता है प्यार पाना पूरी तरीके का इज़्ज़त पाना केयर पाना टाइम पाना ठीक है तो मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है जिसके वजह से उनके इमोशंस जो हैं वो एक ही एक ही जगह पे स्टिक हैं बट इनके थॉट्स बहुत स्केटर हो चुके हैं थॉट्स इनके इधर उधर फैल चुके हैं ठीक है तो कहीं कही ना कहीं बस वो वेट कर रहे हैं मुझे लग रहा है पहले से ज़्यादा आपके पर्सन जो है वो एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं एफ़र्ट्स डालने की कोशिश भी करते हैं ये चीज़ भी मुझे दिख रही है ठीक है सो अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके लिए कुछ करा ही नहीं सो मे बी यू कुड भी रॉन्ग हो सकता है कि आपने उनको उनके एफ़र्ट्स को देखा ही नहीं है कंसिडर ही नहीं किया या फिर जो एफर्ट्स उनके लिए एफ़र्ट्स है वो आपके लिए बहुत बेयर मिनिमम है ऐसा भी हो सकता है जिसके वजह से हो सकता है आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ करते नहीं है लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया फिर भी वो सफिशियंट नहीं है तो मैंटालिटी का डिफरेंसेस डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर है ठीक है तो इस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत कह देने वालों में से नहीं है कि मुझे कुछ लग रहा है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मैं बात कर लूँ मैं क्लियर कर दूँ मैं अपना अंदर का बोझ जो है ना हल्का कर लूँ ये इंसान ऐसे हैं कि बोझ में दब जाएंगे मर जाएंगे लेकिन फिर भी सामने आकर यू you नो know, जब तक मजबूर नहीं होते बहुत ज़्यादा तब तक ये ज़्यादा एक्सप्रेस करते नहीं है बहुत कम बात करते होंगे आपके पर्सन ठीक है ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है सो so, आपके पर्सन को यही लग रहा है कि मे बी यू आर सर्चिंग फॉर सम वन एल्थ मे बी यू आर फाइंडिंग सम वन बट आप इनके साथ भी हो और जिस दिन आपको वो सच्चा प्यार मिल गया किसी से आप इन्हें पूछोगे तक नहीं ठीक है और ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है बट उन्हें पता है कि ये बेसलेस बातें नहीं कर सकते हैं ये सब बातें वो करेंगे तो आप दोनों के बीच में फिर से झगड़े हो सकते हैं इश्यूज आ सकती हैं जिस दे कांट अफोर्ड ठीक है तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब चाह रहे हैं कि ठीक है जब तक वो दिन नहीं आता तब तक हम एटलीस्ट इस इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने की कोशिश कर सकते हैं इससे हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए और ये इंसान हमेशा मेरे लाइफ में ही बने रहें ये हमेशा मेरे लिए ही हो जाए ऐसे यानी कि आप ओके सो ऐसे ही माइंड सेट ऐसी ही फीलिंग्स आपके पर्सन की दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है इंटेंशंस इनकी अभी के लिए प्रेजेंट में मुझे दिख रही है कि यह इंसान जो प्यार जो केयर आपकी कर नहीं पाए हैं अब तक वो अब ये करना चाहते हैं फुल ऑन ठीक है और थाट्स तो मैंने आपको बताया कि बहुत इनसिक्योर हैं ट्रस्ट इशूज़ हो रहे हैं इनको कन्वे नहीं करना चाहते इन सारी चीज़ों में बात नहीं करना चाहते ठीक है एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कही कहीं ना कहीं चमत्कार करवाना चाहते हैं वो आपको जाने नहीं देना चाहते और आपको रोकना भी नहीं चाहते वो चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिकली उनके हमेशा बने रहो आप उनके लाइफ से दूर जाओ ही ना उनको नौबत ही ना आए आपको रोकने की ठीक है या फिर आपको फ़ोर्स करने की किसी चीज़ में क्योंकि वो एक बात ज़रूर जानते हैं कि आपकी खुशियाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर उन्हें आपसे खुशियाँ नहीं मिल रही तो वो आपको ज़बरदस्ती अपने लाइफ में नहीं रख सकते ठीक है जहाँ आपकी खुशी है वहाँ आपको रहना है ऐसे माइंड में ये पर्सन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ठीक है तो यही सारी करंट फीलिंग्स इंडेंशंस आपके पर्सन के दिनों दिमाग में हैं फर्क बहुत पड़ता है उसका टेन परसेंट ही आपके पर्सन शो करते हैं ये मैं बता दूँ ठीक है अगर तो आपको अगर लगता है कि ये इंसान बहुत केयरलेस है तो नहीं ये केयर करते हैं आपका ये इंसान ऑब्जर्व करते हैं आपको ये इंसान कंसर्न है लेकिन हाँ ये इंसान टाइम टू टाइम वो चीज़ को दिखाते नहीं हैं आपको कि ये इंसान आपके बारे में पता रखते हैं या आपका ख्याल रखते हैं ठीक है एक्सप्रेसिव नहीं है और एक्सप्रेशन की कमी के वजह से ही मैक्सिमम मेजर प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के रिश्ते में कि आपको लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते और ये इंसान प्यार करते हैं जता नहीं पाते हैं लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपकी चाहते बहुत ज़्यादा हैं थोड़ा सा उनके तरफ से अगर एक्सप्रेशन आ जाए जहाँ पे वो टाइम टाइम में आपसे अपने दिल की बातें करें या दिल खोल के इजहार करें या एक्सप्रेस करें या जताएं किसी स्पेशल जेस्चर के थ्रू तो आपकी कनेक्शन बहुत स्मूथ हो सकती है इजी हो सकती है ठीक है सो so गाइज़ ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं ओके इस कैंडल को मैं साइड में कर इस मैं दूंगी इसमें पूरा मेल्ट होने दूंगी बाकी और भी कार्ड्स वग़ैरह देख लेते हैं सो so, और भी कार्ड्स देख लेते हैं वी हैव यू एंड आई वेयर टू यंग तो डेफ़िनेटली वो इस चीज़ को समझ रहे हैं करंटली कि वो इस रिश्ते को अच्छे से संभाल नहीं पाए हैं ठीक है आप दोनों में से ही बहुत सारी गलतियाँ आप दोनों ने ही करी है इस रिश्ते में आपने हो सकता है उन्हें बहुत बार माफ़ कर दिया लेकिन हो लेकिन इन्होंने हो सकता है बहुत बार आपको माफ़ किया ही नहीं और चीज़ों को फिक्स करा ही नहीं ठीक है चीज़ों को खुला छोड़ दिया और इसी वजह से आप दोनों के प्रॉब्लम समय के साथ साथ बढ़ते चले गए ठीक है ठीक होने के बजाय वी नीड टू लेट ईट other गो तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर भी बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बार आपको फ़ील करवाया है कि आप दोनों का दूर रहना ही सही है और वो आपके लिए सही नहीं है और बहुत बार आपको ऐसा भी फील करवा इन्होंने दिया है झगड़ों में या कुछ कि दे डोंट केयर अबाउट यू ठीक है जिसके वजह से हो सकते आपके मन में भी एक यू नो फियर जाग गया है कि शायद सच में जितना आप सोचते थे उतना ज़्यादा यह इंसान आपको प्यार नहीं करते हैं आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन अब बदलना चाह रहे हैं ठीक है उनके लाइफ में अब चीज़ें धीरे धीरे स्टेबल हो रही हैं ठीक है ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं अपने ओवरऑल लाइफ को लेकर तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर भी सीरियस होना चाहते हैं बट उन्हें पता है कि जितना वो आपको बोलेंगे उससे कई गुना ज़्यादा तब अच्छा होगा जब वो सामने से उस चीज़ को एफर्ट के रूप में या एक्सप्रेस करके करें तो उस चीज़ का अंदाज़ा है जिसकी वजह से वो सामने से कुछ नहीं कह रहे हैं वो डायरेक्ट करके दिखाना चाहते हैं आपको ताकि आपको भी वो चीज़ का प्रूफ मिले कि हाँ ये इंसान बोलने वालों में से नहीं है करने वालों में से है ठीक है और ये इंसान हमारा साथ हमेशा निभाएंगे आई फील यू इवन दो वी आर अ तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं बहुत प्यार करते हैं हमेशा आपके बारे में सोचते रहना आपको महसूस करना आप दोनों की मेमोरी में डूबे रहना यही इनका डेली बेसिस का काम मुझे दिख रहा है सो so गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड अगर आप अपने लव लाइफ़ में सफ़र कर रहे हो या लव लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आपकी बनी हुई है ठीक ही नहीं हो रही है ठीक है डीलेस होते रहते हैं ठीक है लव की कमी रोमांस की कमी कमिटमेंट इश्यूज हैं मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं या सिचुएशनशिप जो है रिलेशनशिप में नहीं बदल रहा कोई भी इश्यूज आप लव लाइफ से फेस कर रहे हो तो आप इनर्जाइज रोज ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो इसे वेयर करने से आपके एग्जिस्टिंग लाइफ के जो इश्यूज हैं लव लाइफ़ के बेसिकली वो ठीक होंगे साथ में एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप्स हैं दोस्तों के साथ फैमिली के साथ लवर के साथ इन लॉज के साथ वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉग होंगे आपकी सेल्फ़ लव आपके अंदर बढ़ेगा और साथ में ग्लोइंग स्किन भी आएगी सो so, अगर आपको ये ब्रेसलेट चाहिए ये ब्रेसलेट ये जो रोज़ क्रिस्टल है ये आपको ब्रेसलेट के फॉर्म में रिंग के फॉर्म में एंड पेंडेंट के फॉर्म में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए आप इसे अपने लिए या अपने क्लोज वंस के लिए भी ले सकते हो गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को अपने लिए भी ले सकते हो इसके अलावा भी माइंड हीलिंग से रिलेटेड सेवन चक्रा हीलिंग से रिलेटेड मनी अट्रैक्शन से रिलेटेड करियर ग्रोथ से रिलेटेड और भी तमाम चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग क्रिस्टल्स जेम स्टोन्स अवेलेबल हैं ठीक है बहुत तरीके के क्रिस्टल जेम स्टोन्स अवेलेबल हैं अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल्स कौन सा जेम बेस्ट रहेगा सो so आप व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कीजिए मेरी टीम आपको परफेक्ट सोल्यूशन देगी एंड डेफिनेटली आपके लिए जो बेस्ट क्रिस्टल या बेस्ट जेम होगा वो एनर्जाइज करके आपको दिया जाएगा सो दैट इट वर्क्स फास्टर ओके okay. उसके साथ साथ आप मिस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो मिस्ट जो होती है वो एक तरीके की स्प्रे होती है लिक्विड स्प्रे जिसे आप यूज़ करके अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो लव लाइफ से रिलेटेड करियर ब्यूटी हेल्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड वो मिस्ट सिर्फ आप ही नहीं आपके फैमिली मेम्बर्स भी यूज़ कर सकते हैं कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए सो so अगर आपको कोई भी रेमेडीज या क्रिस्टल्स या मिस्ट चाहिए ऑर्डर प्लेस करना है या डिटेल्स चाहिए आप व्हाट्सअप में इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस तब तक के लिए बाय बाय